Welcome back to the late night show, Jitna Rangin Utna Sangi. कुछ दिनों पहले मैंने मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 4 देखी. ये फिल्म देखने की एक खास वजह थी हमारे इंडियन स्टार झकास अनिल कपूर. जैसी ही फिल्म में उनकी एंट्री होती है, फिल्म अचानक से अब्बास मस्तान के प्लेयर से भी घटिया बन जाती है. Can you believe Anil Kapoor is shown suave and cool? How you know? ऐसा करने वाला बंदा वो suddenly multi-millionaire आया. Anyway, Mission Impossible में Anil Kapoor is playing a multi-millionaire business tycoon. जो लड़की को देख के बन जाता. और अगले 3 सीन्स में उस हीरोइन से मतलब पिटता रहता है. दैट्स इट. मतलब इतने दिन से अरे मैं फिल्म का मेन विलन हूँ झकास, चिल्ला रहे मिस्टर अनिल कपूर के फिल्म में सिर्फ 4 सीन्स. इन अ वे अनिल कपूर हॉलीवुड के बॉब क्रिस्टो बन रहे हैं. थोड़ा खाओ थोड़ा फैट. मतलब एक ही सीन था उनका, सीन एक ही था लेकिन 4 इंटरकट थे. एक बात माननी पड़ेगी, हॉलीवुड वाले एक्स्ट्रा के रोल के लिए भी बेस्ट दूर. एक मिनट ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं, आइए खुद उन्हीं से बात करते हैं. हाँ, प्लीज वेलकम वेरी फेमस हॉलीवुड इंडियन एक्स्ट्रा स्टार अनिल कपूर. यार सुमित, you looking so fresh, so young yaar. Yeah, thank you sir, thank you. Aap agar yahan hote to jagah hai nahi, lekin ha main aapko bhi baithne ke liye kehta ki please baith jaiye. Sure, you know what, Hollywood mein bhi mujhe itni hi respect ke sath bulate the aur bithate the. In fact puri shooting ke dauran mujhe bench par hi bitha rakha tha. Bench pe? Hello, bench pe. Amazing. Okay, let's talk about Mission Impossible 4. Oh, my Mission Impossible 4 ke bare mein kya kahun? It just changed my life. Yeah. In fact, it really changed your life. Ab tak aap Bollywood ke star the, ab Hollywood ke junior artist. वैसे आपने ऐसा role क्यों किया by the way? Actually, मैं तो Hollywood वालों को package बेचने गया था. Package? What kind of package? ताज महल का पैकेज, आगरा साइट सीइंग, केरला बैक वाटर ट्रिप, राजस्थान कैंपिंग, होटल बोर्डिंग लॉजिंग विद ब्रेकफास्ट. वेरी गुड, फैंटास्टिक. पैकेज बेचे गए थे तो ये साइड रोल कहाँ से मिल गया? तुम्हें मेरा पैकेज थोड़ा महंगा लगा और आजकल रुपी भी डॉलर के सामने थोड़ा डाउन है ना. उन्होंने कहा फिल्म में 4 सीन भी कर लो फिर पैकेज खरीद लेंगे. लेकिन सर आप तो एक्टर हैं, ऐसा यही कहते हैं आप ये सब पैकेज के चक्कर में? I'm not getting it. सुमित साहब, एक एक्टर होने के साथ साथ मैं एक बाप भी हूं, वो भी एक फेल्ड एक्ट्रेस का बाप. करना पड़ता है, अमिताभ भी तो कर रहा है, सीमेंट बेच रहा है अपने बेटे के लिए. मैंने तो फिर भी ताजमहल पैकेज बेचा है. करेक्ट. लेकिन सर आप कब तक ये हॉलीवुड वालों को टूर पैकेज बेच बेच के अपनी बेटी के लिए फिल्म प्रोड्यूस करते रहेंगे? That's a matter to think, Sumit. अच्छा आप सोचिए, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं. बिग बी कोई देख लीजिए ना, मार्टिन स्कॉर्सेसी के फिल्म में
एक सीन का रोल मिला. मैंने बोला ना, करना पड़ता है. घर में अभिषेक जैसा फर्नीचर पीस हो तो बाप को करना पड़ता है.